हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एजुकेशन बाय अंकित। तो इसके प्रीवियस जो वीडियो था एसेप्सिस के बारे में, मेडिकल एसेप्सिस था, ठीक है। मेडिकल एसेप्सिस क्या होता है, ठीक है, उसके प्रिंसिपल क्या है, उसके बारे में हम लोगों ने बात कर ली है, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है वो सर्जिकल एसेप्सिस, ठीक है। मेडिकल एसेप्सिस मतलब जो एज अ नॉर्मल में जो मेडिकल में हम जो यूज करते हैं, मेनली हम किसी चीज़ को क्या करते हैं, हम डिसइन्फेक्शन करते हैं, ठीक है। लेकिन हम जब यहाँ पे बात कर रहे हैं सर्जिकल एसेप्सिस की, ठीक ना, तो सर्जरी के दौरान जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसको क्या करना पड़ता है, हमको स्टरलाइजेशन करना पड़ता है, ठीक है। तब जाके उसको क्या होता है कि हम उसको हम रीयूज के लिए करते हैं, ठीक है। ये हम क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए क्रॉस इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है, ठीक है। कोई भी प्रोसीजर अगर इन्वेसिव प्रोसीजर अगर हो रहा है ना, किसी भी आप इंस्ट्रूमेंट को आप यूज कर रहे हो, तो उसको स्टरलाइजेशन करना जरूरी है, ठीक है। नहीं तो उससे क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है, ठीक है। तो इसीलिए ये टेक्निक बनाया गया है, एसेप्टिक टेक्निक, ठीक है। तो एसेप्टिक टेक्निक में इससे प्रीवियस जस्ट मैंने वीडियो में बात कर लिया है, आप चाहे तो जरूर एक बार देख ले, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, ठीक है। उसमें हम डील किए हैं क्या मेडिकल एसेप्सिस के बारे में और उसके प्रिंसिपल के बारे में, लेकिन आज का हम टॉपिक में क्या देखने वाले हैं, सर्जिकल एसेप्सिस के बारे में, ठीक है। कभी भी लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, सिर्फ अगर एसेप्सिस करके आता है ना, तो आपको मेडिकल एसेप्सिस और सर्जिकल एसेप्सिस दोनों को क्या करना है कि उसको क्लासिफिकेशन जैसा मैंने बताया उसको क्या करना है, आपको डिस्क्राइब करना है, ठीक है। और उसके एक एक करके मेडिकल एसेप्सिस में मेडिकल एसेप्सिस का प्रिंसिपल लिखना है और सर्जिकल एसेप्सिस में सर्जिकल एसेप्सिस का प्रिंसिपल लिखना है, ठीक है ना, अच्छे मार्क्स के लिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या होता है सर्जिकल एसेप्सिस। सर्जिकल यहाँ पे नाम लगा हुआ, तो कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड बात हो रही यहाँ पे हो रही है, सर्जरी से रिलेटेड बात हो रही है, ठीक है ना। सर्जरी से रिलेटेड जो भी एसेप्सिस प्रोसेस हम फॉलो करते हैं उसके बारे में बात हो रही है, राइट। तो देखते हैं, इन केस सर्जिकल एसेप्सिस ऑल दी प्रोसीजर यूज टू कीप ऑब्जेक्ट्स और एरिया शुड बी स्टराइल, ठीक है। स्टराइल का मतलब क्या होता है, कंप्लीटली फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। अगर हम सर्जिकल वार्ड में, जैसे कि आप ओटी ऑपरेशन थिएटर में आप कभी भी जाते हो ना, तो उस एरिया में क्या होता है कि वहाँ पे वो पूरे तरीके से क्या होता है, स्टराइल होता है, ठीक है। मान लीजिए कि कोई भी पेशेंट का अगर सर्जरी हो रहा है, ठीक है ना, तो अगर होने के बाद से अगर दूसरा जो पेशेंट आएगा सर्जरी के लिए, या वो जो सर्जरी हो रहा है उससे पहले क्या होता है ना, ऑपरेशन थिएटर का पूरा गैस के द्वारा क्या फ्यूमिगेशन किया जाता है, ठीक है ना। तो फिर वहाँ पे फ्यूमिगेशन एक तरह का क्या हुआ, स्टराइल हुआ, ठीक है ना, स्टराइल प्रोसेस हुआ। और स्टराइल का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। हमको वहाँ पे क्या करना है, स्टराइल करना है, नहीं करेंगे तो क्या होगा, इन्फेक्शन होने के उसको चांसेस होगा, ठीक है ना। पेशेंट से पेशेंट क्या होगा कि वहाँ पे क्रॉस इन्फेक्शन होने का चांसेस रहे, क्योंकि कोई भी प्रोसीजर कर रहे हैं ना, ठीक है ना, तो अपन क्या वो एक तरह का इन्वेसिव प्रोसीजर है, ठीक है ना। अपने बॉडी को या बॉडी ऑर्गन को या टिश्यू को क्या कर, हम वहाँ पर कट लगा रहे हैं, ठीक है। तो यह वहाँ पर क्या होता है कि फुली एक्सपोजर के कंडीशन में आता है, और फुली एक्सपोजर के कंडीशन में आता है अगर ऑपरेशन थिएटर पूरे अच्छे तरीके से स्टराइल नहीं किया जाए, बोले तो फ्यूमिगेशन अगर नहीं किया जाए, तो क्या होगा, वहाँ पे पेशेंट को बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन के चांसेस रहेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे पहला लाइन है। और दूसरा लाइन देखिए कि इसके अंदर गए, जैसे कि हैंड वॉशिंग के बारे में बताया था, हैंड वॉशिंग सबसे इंपॉर्टेंट से किसी भी क्रॉस इन्फेक्शन को रोकने के लिए, चाहे वो मेडिकल एसेप्सिस की बात करें या हम सर्जिकल एसेप्सिस की बात करें, ठीक है। वहाँ पे भी हैंड वॉशिंग था और यहाँ पे भी हैंड वॉशिंग था, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, हैंड शुड बी थ्रोली क्लीन फॉर अबाउट 3 to 5 minutes, ठीक है ना। जब भी कोई भी अगर सर्जरी परफॉर्म करनी हो, या आप अगर ओटी टेक्नीशियन हो, या आप अगर वहाँ पे आप स्टाफ नर्स हो ओटी टेक्नीशियन में ऑपरेशन थिएटर में, तो उस कंडीशन में आप जब भी जाएं तो आपको क्या करना है, 3 to 5 minutes का आपको हैंड वॉशिंग करना है, ठीक है। ये उसकी प्रोसेस होती है सर्जिकल एसेप्सिस के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यूज ऑफ ग्लव्स फॉर द सर्जिकल एसेप्सिस, ओनली स्टराइल ग्लव्स शुड बी यूज, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, स्टराइल ग्लव्स है, ठीक है ना। और स्टराइल का मतलब क्या होता है कि फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। अगर कभी भी सर्जिकल वार्ड में जाए या ऑपरेशन थिएटर में जाए, ठीक है ना, कभी भी, तो वहाँ पे क्या है, हमको स्टराइल ग्लव्स ही यूज करना है, ठीक है ना। क्या होता है कि मेडिकल एसेप्सिस की हम जब बात किए थे ना, तो वहाँ पे बहुत सारा ऐसा होता है, कुछ कुछ हॉस्पिटल में ऑन इथिकल प्रैक्टिस लोग करते हैं, ठीक है ना, अच्छे तरीके से नहीं होता है प्रैक्टिस। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि एक ही ग्लव्स को क्या होता है कि हम रीयूज कर लेते हैं विदाउट स्टाइल, ठीक है। लेकिन अगर कभी भी अगर हम ऑपरेशन थिएटर में जा रहे हैं, ठीक है, कभी भी, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि सर्जिकल एसेप्सिस के द्वारा जो इसमें स्टराइल ग्लव्स है उसी को यूज करना है, ठीक है ना। ये क्या होता है कि स्टराइल ग्लव्स
रहता है, जिससे कि रीयूज करने के लिए क्या होता है ना कि स्टाइल किया जाता है, ठीक है ना। तो कभी भी स्टाइल ग्लव्स को प्रेफर करना है, ठीक है। उसके बाद से है यहाँ पे गाउनिंग, ठीक है ना। स्टाइल गाउन वियर दी ऑपरेटिंग रूम डिलीवरी रूम, ठीक है ना, ऑपरेटिंग डिलीवरी रूम, ऑपरेटिंग एंड डिलीवरी रूम, ठीक है ना। कभी भी अगर ऑपरेशन थिएटर में हो या कभी भी आपको किसी भी कंडीशन में LSDS हो रहा है, चाहे कोई भी ऑपरेशन थिएटर हो रहा है, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में हमको क्या करना होता है कि गाउनिंग का जरूरत, मतलब गाउन हमको वियर करना होता है, ठीक है ना। उस कंडीशन में क्या होता है, देखिए, अगर आप बाहर से कपड़े, कोई भी आप कपड़े पहन के जा रहे हैं, तो आप पूरा इन्वायरमेंट से आप ऑपरेशन थिएटर में जा रहे हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा ना कि पूरे इन्वायरमेंट से आपके बॉडी पे क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म चले जा सकते हैं, और ऑपरेशन के टाइम पे क्या होता है कि इन्फेक्शन होने के वहाँ पे चांसेस रहेंगे, ठीक है ना। लेकिन आप अगर गाउन आप पहन लेंगे तो उस पर क्या होता है, गाउन यहाँ पे क्या है, स्टाइल है, और स्टाइल का मतलब कि फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जो भी इन्फेक्शन होने के चांसेस रहेगा उसे बचा जा सकता है हमको, ठीक है। उसके बाद से है प्रिंसिपल ऑफ सर्जिकल एसेप्सी, ठीक है ना। ऐसी क्या क्या प्रिंसिपल है कि जो कि हम अपने को याद रखना है, अगर आप कभी भी एज ए थ्योरेटिकल या एज ए प्रैक्टिकल कभी भी आप ऑपरेशन थिएटर में आप ड्यूटी करने जाते हो, तो कौन कौन सी बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है, एज अ मेडिकल और एज अ सर्जिकल, ठीक है। तो इसमें हम बात करते हैं, सबसे पहला पॉइंट, ऑल आइटम्स यूज टू विद इन अ स्टराइल फील्ड मस्ट बी स्टराइल, ठीक है ना। अब यहाँ पे आइटम्स का मतलब कि इंस्ट्रूमेंट, कुछ भी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए, ऑपरेशन थिएटर में क्या होता है ना कि पूरे स्टराइल एरिया होता है, जैसे कि मान लीजिए स्टराइल एरिया होगा, ठीक है, तो वहाँ पे स्टराइल जो एरिया है ना, तो उसको स्टराइल इंस्ट्रूमेंट को ही वहाँ पे रखना है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कुछ, अगर आपको प्रोसीजर करना है, ठीक है ना, प्रोसीजर करना, जैसे कि मान लीजिए एनेस्थीसिया लग रहा है, ठीक है ना, तो एनेस्थीसिया में जो भी इंस्ट्रूमेंट लग रहे हैं ना, तो वो एक बार वहाँ पे यूज हो गया ना, तो उसको क्या करना है कि हमको स्टराइल से, जो स्टराइल एरिया में है, जो वहाँ पे है, उसको ऑन स्टराइल एरिया में रखना है, ठीक है ना। कभी भी अगर वहाँ पे आप देखे होंगे ऑपरेशन थिएटर में ना, स्टराइल एरिया बना रहता है, ठीक है ना, तो वहाँ पे स्टराइल एरिया में सिर्फ स्टराइल इंस्ट्रूमेंट को रखना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हम यूज कर दिए और फिर वहाँ पर कुछ स्टाइल इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है और वहाँ पे ले जाकर रख दिए, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ। दूसरे के सेकंड पॉइंट है, मोमेंट अराउंड द स्टाइल फील्ड मस्ट नॉट कंटामिनेटेड डेट फील्ड, ठीक है ना। अगर वहाँ पे क्या है, देखिए, OT ऑपरेशन थिएटर में कभी भी देखिए, आप अनऑथोराइज पर्सन है, जैसे कि बाहर का कोई पर्सन है, ठीक है ना, तो वहाँ पे एक तरह से मूवमेंट अलाउ नहीं रहता, जैसे कि आप कभी भी चले गए और कभी भी आ गए, ठीक है ना। अगर आप कभी भी ऑपरेशन थिएटर चल, मतलब ऑपरेशन हो रहा है ना, तो आप अगर जाते हैं ना, तो वहाँ पे क्या है, आप एक तरह से पूरे स्टाइल, जैसे कि गाउन आप पहन के जा रहे हैं, तो आप क्या हुए, स्टाइल हुए, ठीक है। तो वहाँ पे क्या करना हमको, मतलब अननेसेसरी मूवमेंट नहीं करना, ठीक है। अननेसेसरी मूवमेंट अगर करेंगे तो उससे भी इन्फेक्शन होने का चांसेस रहेगा, ठीक है। और आप जो बाहर का जो क्लोथ पहने हो ना, कपड़े जो भी पहने हो, तो उसको आप पहन के नहीं जाना, क्योंकि यहाँ पे गाउन पहनना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे स्टाइल गाउन पहनना क्या है कि बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद से है, ऑल आइटम्स और एरियाज ऑफ डाउटफुल ऑफ द स्टाइल आर कंसीडर अनकंटामिनेटेड, ठीक है ना। अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ इंस्ट्रूमेंट स्टाइल है या नहीं है, ऐसी कंडीशन जब भी है ना, तो आपको उसको क्या करना है, ऑन, मतलब कि यहाँ पे ऑन स्टाइल रखना है, ठीक है ना। यहाँ पे उसको क्या करना है कि कंटामिनेटेड कंसीडर करना है, ठीक है। ऐसे तो आपको डाउट है कि वो स्टाइल है या नहीं है, यूज हुआ है नहीं हुआ है, ठीक है ना, कभी कभी डाउट हो जाता है प्रैक्टिस के दौरान, ठीक है। तो उस कंडीशन में उसको क्या करना है, कंटामिनेटेड में उसको कंसीडर करना है, यानी कि उसको फिर से हम क्या करेंगे, स्टाइल करने के लिए हम भेजेंगे, ठीक है, ऐसे उसको यूज नहीं करेंगे, ठीक। उसके बाद से नेक्स्ट वाला पॉइंट है प्रिंसिपल में, टचिंग और होल्डिंग द वन स्टाइल इंस्ट्रूमेंट विद द अनदर स्टाइल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। यहाँ पे हर जगह क्या ही वर्ड आ रहा है, स्टराइल, स्टराइल, स्टराइल का मतलब कि फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि देखिए, कुछ भी आप ऑपरेशन थिएटर में अगर कोई भी आप इंस्ट्रूमेंट उठाते हो, तो ऐसे हाथ से जाके नहीं उठाना है, गए हाथ से उठा लिए, ऐसा नहीं उठाना है। कभी भी आप चीटर फॉरसेप्स से आपको क्या करना है कि स्टराइल इंस्ट्रूमेंट से स्टराइल इंस्ट्रूमेंट को उठाना है, ठीक है ना। ऐसा कि ऑन स्टराइल होगा और स्टराइल से हम टच कर दिए या उठा दिए या आप हाथ से उठा लिए, तो वहाँ पर क्या हो, कंटामिनेटेड हो गया। वहाँ पर टच आप कर दिए, इसका मतलब कि कंटामिनेटेड हो गया। या ऑन स्टाइल इंस्ट्रूमेंट से कोई भी स्टाइल इंस्ट्रूमेंट को आप टच कर दिए, होल्ड कर दिए, उसको उठा दिए ना, तो उस कंडीशन में क्या, उसको कंटामिनेटेड में उसको कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि
कभी भी स्टाइल तरीके से काम करना है और स्टाइल इंस्ट्रूमेंट से ही स्टाइल इंस्ट्रूमेंट को होल्ड करना है, ठीक है। यहाँ पे ये पॉइंट है। उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट है, इन अ सर्जिकल एसेप्सिस ऑल प्रैक्टिस ऑफ बोथ पैथोजेनिक एंड नॉन पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। देखिए कुछ भी अगर प्रैक्टिस हो रहा है ना सर्जरी के दौरान, अगर कुछ भी आपको प्रोसीजर करना है या कोई भी अगर सर्जरी चल रही है उस कंडीशन में क्या होता है, पैथोजेनिक और नॉन पैथोजेनिक उसमें बैक्टीरिया होते हैं। अब समझिए पैथोजेनिक और नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया क्या होते हैं। देखिए पैथोजेनिक बैक्टीरिया वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने बॉडी में कैपेबल होते हैं कि आपको डिजीज कॉज करा सके, ठीक है। और नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि नॉर्मल फ्लोरा, फॉर एग्जांपल नॉर्मल फ्लोरा, उस वो ऐसी एक नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारे बॉडी में डिजीज कॉज करने के लिए वो कैपेबल नहीं होते हैं, मतलब कि वो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल कोई नहीं पहुंचा रहे हैं, लेकिन जो पैथोजेनिक वाले बैक्टीरिया है वो हमारे बॉडी को क्या करेंगे, इन्फेक्शन पहुंचाएंगे, ठीक है। तो आज का हम वीडियो में मेनली क्या देखे हैं, एसेप्सिस के बारे में, एसेप्सिस में भी हम सर्जिकल एसेप्सिस के बारे में कुछ कुछ पॉइंट्स डील किए हैं, उसके बाद से ये प्रिंसिपल्स को डील किए हैं। तो आपको अगर टॉपिक से रिगार्डिंग कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करिए, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब आपको एक बात को ध्यान रखना है कि कभी भी आपको किसी भी फील्ड से, आप ओटी टेक्नीशियन हैं, आप पैरामेडिकल से हैं या नर्सिंग से हैं या और भी किसी फील्ड से हैं, तो आपको कभी भी क्वेश्चन आता है तो उसको क्या करें, जैसे मैंने बताया पार्ट वन और पार्ट टू में, इसमें जो मेडिकल एसेप्सिस और सर्जिकल एसेप्सिस का जैसे डिस्क्रिप्शन बताया ना, वैसे आपको क्लासिफिकेशन मेडिकल एक तरफ और सर्जिकल एक तरफ करके आपको ऐसे लिखना है, तो आपको आई होप कि आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो आज के लिए इतना हमें रखने देते हैं, आगे नेक्स्ट के वीडियो में हम देखेंगे। थैंक यू।